हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यम्मी मिनी हार्ट शेप बेसन के बर्फी। यह बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और टेस्टी और हेल्दी है ये खाने में। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। गैस पर हमने कढ़ाई रख दिया है, उसमें हम डाल देते हैं रिफाइंड ऑयल 2 बड़ा चम्मच। अगर आपके पास घी है तो आप इसको घी में भी बना सकते हैं, नहीं तो ये रिफाइंड ऑयल में भी टेस्टी लगता है खाने में। तो 1 बड़ा चम्मच हमने बेसन डाल दिया है, तो इसी चम्मच से हम नाप कर ही बेसन डाल देंगे। और तो 3 चम्मच हमने बेसन ले लिया है, तब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। और हमें इसको धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। तेज आंच पर नहीं भूनेंगे, नहीं तो जो है अच्छा बर्फी बनेगा नहीं। जब तक बेसन से खुशबू ना आने लगे तब तक हमें इसको धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भूनना है। बहुत ही टेस्टी बनता है ये मिनी हार्ट शेप। तो ये देखिए दोस्तों, एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसको हम धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए भून रहे हैं। तो ये देखिए कलर भी हल्का सा चेंज हो चुका है, तो अभी खुशबू नहीं आया है। जब तक खुशबू ना आने लगे हमें इसको भूनते रहना है। तो हम आपको थोड़ी देर बाद दिखा रहे हैं। तो ये देखिए बेसन का कलर जो है चेंज हो चुका है और इसमें से खुशबू भी आने लगा है और बेसन हल्का भुन गया है। ये देखिए दोस्तों, तो अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। हमने लिए हैं काजू और किशमिश लिया है हमने, तो इनको भी हम बेसन में ही डाल देते हैं और इसको भी 1 मिनट तक चलाकर भून लेंगे। आप चाहे तो इन काजू और किशमिश को अलग से भी भून सकते हैं, पर हम बेसन में ही डालकर इसको भूनेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, किशमिश फूल गया है, देख सकते हैं आप लोग, भून गया है। ड्राई फ्रूट्स भी देखिए किशमिश कितने अच्छे से फूल गया है, तो समझिए ड्राई फ्रूट्स भुन गए हैं। तो गैस हमने बंद कर दिया है, तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं पूरा। तो बेसन को हमने एक प्लेट में पूरा निकाल लिया है, अब हम चाशनी बनाना शुरू करेंगे। तो कढ़ाई, उसी कढ़ाई में ही हम बनाएंगे। तो इसमें हम ले लेते हैं 1 से 1.5 गिलास हमने पानी लिया है इसमें, क्योंकि बर्फ़ी बना रहे हैं तो पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत ही गीला हो जाएगा। तो 1.5 गिलास हमने लिया है पानी, और मीठा अगर आपको कम ज़्यादा जैसा भी पसंद हो आप डाल सकते हैं, पर हम बेसन का बर्फी जो है मीठा ही बनाएंगे। तो 4 से 5 चम्मच हम इसमें चीनी डाल देंगे, क्योंकि बर्फी मीठा ही खाने में टेस्टी लगता है। थोड़ा सा इलायची का पाउडर डाल देते हैं, 1/2 छोटा चम्मच हम डाल दिए हैं। अब इसको मिक्स कर देंगे, जब तक चीनी मेल्ट ना हो जाए हमें इसको चलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लेना है। अब बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों ये बनाने का। तो ये देखिए दोस्तों, चीनी मेल्ट हो चुका है। तो 1-2 मिनट तक और इसमें हम पका लेते हैं, हमें इसको केवल चीनी मेल्ट होने तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं। तो 2 मिनट और इसको हम पकाएंगे। तो दोस्तों 2 मिनट तक हमने इसको पका लिया है, तो अब इसमें हम बेसन डाल देते हैं। तो पूरा एक साथ ही हम बेसन पूरा इसमें डाल दे रहे हैं, तो इसको जल्दी जल्दी हमें मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए पूरा हमने डाल दिया है, तब इसको चलाते हुए मिक्स करेंगे हम पूरा। तो ये देखिए आपको गीला दिख रहा होगा, पर ये गीला बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। तो इसको हम जल्दी जल्दी मिक्स करेंगे पूरा। आप चाहे तो इसको ऐसे हलवा भी खा सकते हैं। तो हमने ये थाली में हल्का सा ऑयल लगा दिया था, बड़ी थाली में हम निकालेंगे इसको। तो ये देखिए दोस्तों, ये पूरा बेसन पूरा ड्राई हो चुका है, गीला बिल्कुल भी नहीं होता, ये बहुत ही जल्दी ड्राई भी हो जाता है। देख सकते हैं आप लोग, एक डो के फॉर्म में पूरा रेडी हो चुका है ये। तो अब इसे हम उसी थाली में पूरा निकाल लेते हैं। तो ये देखिए पूरा थाली में हमने इसको निकाल लिया है, तब इसको चम्मच से हम जल्दी जल्दी चारों तरफ हम फैला देते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है ये। तो ये देखिए दोस्तों, हमने इसको अच्छे से पूरा फैला दिया है थाली में। तो अब इसे हम
5 मिनट तक रहने देंगे, थोड़ा ठंडा हो जाने पर ही हम इसको कट करेंगे। तो 5 मिनट के बाद हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, 5 मिनट के बाद हम दिखा रहे हैं और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ना ही ज़्यादा गर्म, नॉर्मल पर हो। तो हम ये कुकीज़ कटर लिए हैं हार्ट शेप का, ये मीडियम साइज का, एकदम 3 साइज़ में आते हैं, तो ये सबसे छोटा वाला साइज़ लिए हैं हम। तब इसको हम कट कर रहे हैं। तो ये देखिए पूरा इसको हम कट कर लेते हैं, इसको निकालेंगे, बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो ये देखिए मिनी हार्ट शेप बेसन की बर्फी, छोटे छोटे साइज़ में। तो ये देखिए इसी तरह से हम सभी को कट कर लेंगे। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं, देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बाकी को भी हम ऐसे ही कट कर लेंगे। आप इसको ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं कुकीज़ कटर को। तो ये देखिए दोस्तों, ये भी हमने कट कर लिया। तो सभी को हम ऐसे ही कट कर लेंगे। तो सभी को हमने कट कर लिया है और एक प्लेट में ले लिया है पूरा। हम आपको ये तोड़ कर भी दिखा देते हैं, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं, गीला बिल्कुल भी नहीं हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए तो एक हमने बादाम लिया है, तो इसके ऊपर हम ग्रेट कर लेते हैं पूरा गार्निशिंग के लिए। तो ये देखिए दोस्तों, हमने बादाम को भी ग्रेट कर लिया है। तो ये बेसन के छोटे छोटे मिनी साइज वाले हार्ट शेप की बर्फी बनकर तैयार है दोस्तों। हम आपको ये पास से दिखा देते हैं, देखने में इतने अच्छे लग रहे, तो खाने में कितना टेस्टी बना होगा। बहुत ही झटपट और आसान तरीके से ये रेसिपी बन जाता है, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। तो ये देखिए दोस्तों, हम आपको पास से दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आपको यह रेसिपी कैसी लगी है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आप भी बनाइए ऐसी टेस्टी मिनी साइज हार्ट शेप के बेसन के बर्फी, बहुत ही पसंद आने वाला है सबको। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।